राजधानी स्थित कैनरा बैंक में क्लोन्ड चेक के जरिए करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में बैंक मैनेजर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रकरण में दो आरोपी अब तक पुलिस के पकड़ से बाहर हैं। एसएसपी अजय यादव ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रायपुर के कैनरा बैंक से आरोपियों ने 3,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। मामले में बैंक मैनेजर आलोक और आरोपी सुभाष हरिश्चंद्र काले को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 95,00,000 और 35,00,000 रुपए के दो चेक बरामद किए गए हैं। वहीं जरूरतमंदों को ढूंढ कर लाने वाले दो आरोपी शमी और रमेश ठाकरे फरार हैं। एसएसपी यादव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अन्य राज्यों में भी अपराध दर्ज हैं। शातिर ठगों ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, इंदौर, भोपाल, झारखंड के रामगढ़ और पटना के अलावा अन्य राज्यों के बैंकों से क्लोन्ड चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए निकाले हैं। आरोपी कैनरा बैंक के बाद एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया को भी निशाना बनाने वाले थे। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। आमानागा थाने का अपराध क्रमांक 98/21 है। इसमें कैनरा बैंक से 3,60,40,000 के आसपास की राशि बैंक का चेक क्लोन चेक बना करके फर्जी खाते से ले करके आहरण करके लिए जाने का तथ्य प्रकाश में आया था। और इसमें ये पाया गया था कि मेमर्स विष्णु लक्ष्मी डेवलपर्स के नाम से खाता खोला गया था और उसके प्रोपराइटर सुभाष हरिश्चंद्र काले ने ये चेक आहरित किया है। और पुलिस ने केस रजिस्टर करके पूरे गंभीरता से जांच पड़ताल की है और सुभाष हरिश्चंद्र काले को नागपुर से पकड़ करके लाई है। उसके पश्चात उसमें चेक किया तो पता चला कि इनका एक प्रॉपर गैंग था और ये विभिन्न ऐसे संस्थान पता करके टारगेट करके और वहां पर से उनके क्लोन चेक बना करके बैंक्स में नए अकाउंट खुलवा करके और सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उसके पश्चात उसके माध्यम से निकालते थे, जिसमें अधिकांश बैंक में ब्रांच मैनेजर की भी मिलीभगत का तथ्य सामने आया है। इस केस में जब जांच किया गया तो पाया गया कि इसमें शमीम और रमेश ठाकरे नाम के दो और व्यक्ति हैं जो मेन मास्टरमाइंड है, जो ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिनको पैसे की जरूरत है और उसके पश्चात उनको टीम में लेकर के करते हैं। उसके साथ इनका एक और सहयोगी एजाज जो बैंकों में फाइनेंसिंग से रिलेटेड, गाड़ियों की फाइनेंसिंग से रिलेटेड का काम करता है। तो ये सभी चारों लोग मिलकर के इसमें किए हैं। इसमें सुहास को अभी पुलिस ने पकड़ा है, शेष तीन अभी फरार हैं जिनकी धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है। इसमें एडिशनल एसपी शहर, सीएसपी आजाद चौक और आमाना का थाना प्रभारी सहित सरस्वती नगर के थाना प्रभारी को मिला करके थाने की लोकल टीम तैयार की गई थी और उसी टीम ने पूरी प्रयास किया है, प्रकरण की विवेचना की है और उसके पश्चात इसमें आरोपी को पकड़ा गया है। यहाँ पे कैनरा बैंक के मैनेजर की भी मिलीभगत समझ में आई है। इस केस में 4 दिवसों में 7 चेक के माध्यम से पैसे निकाले गए थे और प्रति ट्रांजेक्शन था उसमें 2.5 लाख रुपए लगभग ब्रांच मैनेजर को दिया जाना बताया गया है। इसमें सुभाष काले के साथ जो ब्रांच मैनेजर है उनको भी अभिरक्षा में लिया गया है। जांच पड़ताल जारी है। शेष अन्य आरोपियों के बारे में पुलिस टीम अभी पतासाजी के लिए रवाना करी गई है और उम्मीद है कि उनको भी पकड़ेंगे। और ये एमपी के कई जिलों में इन लोगों ने इस प्रकार की ठगी की है। उसके साथ साथ रामनगर, झारखंड में और पटना में भी ऐसी ठगी का प्रकाश में आया है। एमपी में सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी, बालाघाट, इंदौर इत्यादि जगहों पे भी विभिन्न बैंकों से पैसा इसी तरह से बैंक क्लोन चेक बना करके निकालने का तथ्य भी प्रकाश में आया है। पूछताछ जारी है। पुलिस टीम को